बसा लोगे तो क्या होगा।
Yeah.
धन धन चरण चलत तीरथ को जी के
सेवा में नित्य प्रति रहते थे। श्रीनाथ जी के बिना रहना ही नहीं उन्होंने। भक्तमाल में कथा आती है विस्तार रूप में, लेकिन मैं केवल सूक्ष्म रूप में बताऊंगी। इतना प्रेम अगाढ़ नित्य श्रीनाथ जी से गोवर्धन अन्योर में, ना वो श्रीनाथ जी के बिना रहते, ना श्रीनाथ जी उनके बिना रहते। यहां तक कि एक बार उनके पुत्र गौ माता को शेर से बचाते बचाते खुद के प्राण न्योछावर कर दिए। सिंह आया गैया मैया को, जैसे ही चोट पहुंचाने लगा तुरंत आगे आ गए और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उस समय श्री कुंभन दास जी श्रीनाथ जी की सेवा में थे। पता चला कि पुत्र की मृत्यु हो गई, श्री कुंभन दास जी मूर्छावस्था में चले गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, अरे ये तो बड़ा साधु बना फिरता था श्रीनाथ जी का, पुत्र मोह में इतना कि बेहोश हो गया। लेकिन गोस्वामी जी जानते थे, उन्होंने कुंभन दास जी के कान में कुछ कहा, छीटा दिया। कुंभन दास जी खड़े हुए, मुस्कुराए। तुरंत गोस्वामी जी ने बताया कि ये इसलिए बेहोश नहीं हुआ कि पुत्र मोह है, बल्कि इसलिए अचेत अवस्था में गया कि अब घर में सूतक लग गया, मुझे इतने दिन ठाकुर जी से दूर रहना पड़ेगा। पुत्र मोह नहीं है, लेकिन जैसे जैसे परिवार बाल बच्चे, लेकिन घर की जो व्यवस्था थी अर्थव्यवस्था वो कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन गोस्वामी जी ने कहा कि कुंभन तुझे जाकर नाम प्रचार करना चाहिए, जीविका भी तो चलानी है, उसके लिए तुझे जाना चाहिए, अपने परिवार को देख। श्रीनाथ जी कहीं नहीं जा रहे, तूने सारा जीवन दिया है, कुछ देर के लिए जा और वापस आ जा, नहीं तो परिवार की अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ी पड़ी, कैसे चलेगी। बड़ा समझाया, बोले तुझे ठाकुर जी के प्रचार के लिए जाना है। मान नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल मनाया, तो आज सोचा कि नाम प्रचार के लिए जाऊं। अभी जतिपुरा से संकर्षण कुंड भी नहीं पहुंचे थे, बार बार मुड़ के देख रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। केवल एक डेढ़ घंटे की दूरी में कहने लगे, जैसे युगों बीत गए श्रीनाथ जी तुमसे बिछड़े हुए, और अचानक उलाना दे दिया कि प्यारे क्या तुझसे मेरी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती, मुझे तुझे छोड़ के अपने से बाहर जाना पड़ेगा। इधर वो बिलख के रो रहे हैं, उधर श्रीनाथ जी रो रहे हैं। तुरंत भेजा जाओ, उसको बुला के लाओ, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आप अगर इतना प्रेम करते हो तो मेरी जिंदगी को बर्बादियों का मंजर ना बना, अपने दिल को दिल ही रहने दे, पत्थर ना बना। ऐसा ठाकुर है प्यारे, हमारे पे भी मोहर लगा दो ना। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। ऐसे भी तो है जो महल से एक क्षण के लिए उतरते ही नहीं, जब तक स्वामिनी मंगला के पट खुलते हैं उससे पहले वो वहां खड़े होते हैं, और जब शयन आरती होती है उसके बाद उतरते हैं। इसका मतलब स्वामिनी तुम भी उन्हें देखे बिना नहीं रह सकती।
क्षण से पहले वो खड़े हो, तेरे विश्राम के बाद जाए, फिर भी रात को सोने नहीं देती है कि कब मंगला हो, कब मेरा प्यारा मेरी आंखों के सामने। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे, मुझे चेरो कर राखो घर जायो, चेरो कर राखो घर जायो, मदन गोपाल शरण कब, जब उसको महसूस किया, जब उसको जिया, जब उसको पिया, तब उनको शब्द दिए। तो अभी तो हम उनकी लिखी वाणी को गा रहे, पर मेरे जीवन में कब होगा कि मैं भी उनकी तरह कहूं, क्यों ना इठलाऊं मैं बरसाना मिला,
चटकारे ले लेके लो, नाम लेत सुखदेव मुनि की छेम लगती समाधि, वैसा नाम। अगर राधा राधा कहते कहते मन थक जाए तो फिर नाम भगवान से प्रार्थना करो कि हम पे दया करें, क्योंकि भजन तो सालों से सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन भजन का फल ये है कि राधा नाम चटकारे ले लेके रहो। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। कल हम ये नाम ऐसे ही गा रहे थे अंबाला में, वालों की क्या बातें भैया, थोड़ा रसिकन से बतियाए भेजो। मैया है हमारी, मेरे पास आई कीर्तन के बाद रोने लगी, आंख भरे आई। मैंने कहा मैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बात है? बोले आज मैं ऋषि गर्ग जी को बहुत बहुत दुआएं दे रही हूं, मैं बहुत हूं नहीं इस काबिल, लेकिन उनको बहुत आशीष दे रही हूं जिन्होंने इनका इतना सुंदर नाम रखा श्री राधा। जिन्होंने प्यारी का नामकरण किया इतना सुंदर नाम, कुछ और होती है, लेकिन चाहने वालों की डिमांड राधाष्टमी पे जाकर श्री जी से क्या मांगती है कि मैं जब मरूं, आज तक मेरी राधाष्टमी छूटी नहीं है। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मरते ही तुरंत किसी ऐसी गर्भ में डालना जो तेरी राधाष्टमी ना छोड़ती हो, चाहे मैं उसके गर्भ में आऊं लेकिन मेरी राधा अष्टमी नहीं छूटनी चाहिए। इतना भी चाहने वाले राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
राधा श्री राधा।